प्यारे दोस्तों, चैनल देखने वाले नु जी आया आखदे हां। अज असी पंजाब सरकार दे मुलाजमां दीआं नवीआं खबरां दे बारे जानकारी देवांगे ते पंजाब दे मुलाजमां ते यूटी दे मुलाजमां ते पेंशनरां बारे ताज़ा जानकारी प्राप्त हुई है उस बारे दसांगे। हुण मेरी बेनती है कि मेरे चैनल नु सबसक्राइब करो जी। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी के सूबा कन्वीनर जसवीर सिंह तलवाड़ा ने कहा कि पंजाब सरकार के मुलाजम भगवंत मान की सरकार तो दुखी होने करके पंजाब के हर जिले के मुलाजमान के वलों काले बिल्ले लगा के पंजाब के विरुद्ध रोस प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार दे वालों पुरानी पेंशन स्कीम का जो लंगड़ा नोटिफिकेशन किया गया है उस दीयां कापियां साड़ियां जा रही हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा अते मुख्यमंत्री भगवंत मान दा हर जिले दे विच मुलाजमां दे वालों पेट पेट स्यापा किया जा रहा है। सांझे फंड दे कन्वीनर रणजीत सिंह राणवा ने कहा कि मुलाजमान ने पंजाब सरकार दे विरुद्ध बिगल वजा दिता है। आने वाले समय दे विच जो लोग सभा हलका जलंधर की जिमनी चोन आ रही है उसनू देखते हुए पंजाब के मुलाजम से यूटी के मुलाजम से रिटायरमेंट हुए मुलाजमान के वलों 23 अप्रैल नू आदमपुर हल्के दे विच पंजाब सरकार के विरुद्ध झंडा मार्च किया जाएगा। 30 अप्रैल नू नकोदर हल्के दे विच 7 मई नू जलंधर हल्के दे विच झंडा मार्च करके किया जाएगा जिस नू मुख्यमंत्री भगवंत मान याद रखेगा। मुलाजमान दे नाल मुख्यमंत्री भगवंत मान 3 अप्रैल की मीटिंग करन तो भज्जिया। सांझे फंड के कन्वीनर सुखदेव सिंह सैनी ने दस्या कि सांझे फंड ने दे सवेरे 11 बजे मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोठी के नेड़े पहुंचे ते मीटिंग करन बारे गलबात की तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के OST ब्रार के नाल मीटिंग कर लवो जिसका सांझे फंड के आगुआ के वलों बायकट किया ते पंजाब सरकार के विरुद्ध अते मुख्यमंत्री भगवंत मान के विरुद्ध नारेबाजी करते आगू बाहर आ गए। कन्वीनर जरमनजीत सिंह ने कहा कि आने वाले समय के हर जिले में मुलाजम मीटिंगा करके नवे संघर्ष की रूपरेखा